हाँ तो गाइस, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने एक नोटिस जारी किया है। जो भी बच्चे डिस्टेंस से बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंटरेस्टेड चीज़ है कि धारा 370 हटने के बाद में अब जो डिस्टेंस एजुकेशन्स होती थी, आपके बीएड जो जम्मू और कश्मीर से हो रही थी यूनिवर्सिटीज से, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अगली साल से देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं। इस वाली यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बीएड के लिए परमिशन, डिस्टेंस बीएड में परमिशंस के लिए कुछ शर्तें थीं। जैसे आपने 2 ईयर का जो कोर्स है, टीचिंग रिलेटेड कोई भी कोर्स है, वो रेगुलर वे में करना जरूरी था। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने नोटिस जारी किया है। इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर द बीएड एडमिशन फॉर द सेशन 20 एंड 22, आउट ऑफ 404 कैंडिडेट ओनली 5 स्टूडेंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीएड कोर्स इन द डिस्टेंस एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 404 स्टूडेंट्स में से केवल 5 स्टूडेंट हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, जो ये इनके द्वारा जो मैंडेटरी शर्तें थी उन्हें फुलफिल कर पा रहे हैं कि आपके पास में कोई भी 2 ईयर वाला टीचिंग का डिप्लोमा है वो रेगुलर वे में होना चाहिए। आप एलिमेंट्री वे में कहीं भी पढ़ाते हुए आपको रहना जरूरी है जब तक आप ये बीएड कोर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्हें अपना कोर्स शुरू करने के लिए मिनिमम इट नीड्स एट लीस्ट 10 स्टूडेंट टू रन द कोर्स अंडर रूल्स, ठीक है। तो 10 बच्चे इन्हें इस कोर्स को करने के लिए मैंडेटरी हैं, 10 बच्चे तो फुलफिल करने ही चाहिए इनकी शर्तों को। लेकिन अभी यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, तो अभी 5 के लिए ये अभी शायद डेट आगे बढ़ा देंगे एडमिशन की। तो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट परमिटेड टू एडमिट 5 एलिजिबल स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज रिग्रेटेड, ठीक है। तो ये डायरेक्टर यहाँ पे साइन है। तो ये नोटिस है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, जिन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी थी कि आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कम बच्चे, 404 में से केवल 5 बच्चे हैं जिन्होंने इस शर्तों को पूरा किया है। तो अगले साल से कॉम्प्लिकेशंस आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी देखने को मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीटी है जो अपना अप्रूवमेंट है वो शर्तें पूरी करने के बाद ही देता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये 5 स्टूडेंट ले आते हैं तो इन्हें भी अपना ये कोर्स शुरू करने की परमिशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या लेकिन होता गाइज है। बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, वहाँ पे आप डिस्टेंस एजुकेशन से अगर बीएड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2 ईयर रेगुलर मोड में किया हुआ टीचिंग डिप्लोमा अभी तक नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगली साल से अगले सेशन में चांसेस हैं कि ये भी एनसीटी की ये जो शर्त है ये भी मैंडेटरी कर दें। तो जॉब वाले पर्सन्स हैं जो करना चाहते हैं जॉब के साथ में, उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और फिर चांसेस रहेंगे जॉब के साथ में आप विदाउट पेमेंट वाली लीव लें, यहाँ पर डिपार्टमेंट से स्टडी लीव लें जिन्हें अनुमति मिल सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, चांसेस हैं, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि 370 हटने के बाद में एनसीटीई यहाँ पे भी अपने सारे रूल्स एप्लीकेबल कर दे डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करने के लिए। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक्स।